बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ। इसके लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये 2 टेबल स्पून तेल है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, थोड़ा सा नमक है, हल्दी है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, इसलिए कि मैं इसके ऊपर से फिर हरी मिर्चें डालूँगी फिर ज़्यादा कड़वी हो जाएंगी। ये 1 टीस्पून लहसुन का पानी है, 1 टीस्पून लहसुन है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये दही है, दही हम आखिर में डालेंगे 2 टेबल स्पून फेंट कर मेश करके। और ये 1/2 किलो भिंडी है, उसको मैंने 1 टीस्पून तेल में थोड़ा सा तेज़ आँच पर फ्राई कर लिया और फिर उसको मैंने 5 मिनट दम पर रखा ताकि काम आधा हो जाए। अब मैं तेल गरम करके मैं अभी ये टमाटर और प्याज, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दूँगी। जब टमाटर नरम हो जाएंगे, इसके साथ नमक मैंने इसलिए डाला है कि नमक इसमें वो अपना जितना पानी निकालेगा उतना सुखा लेगा, तो फिर भिंडी जो है ना वो फिर नरम नहीं होगी। उसके साथ मैं ये लहसुन का पानी भी डाल दूँगी। आखिर में मैं इसमें दही के साथ 1 टीस्पून जीरा, भुना हुआ जीरा हाथ से मसल के दही में मिला के, और हरी मिर्च सबसे पसंद। अगर आप इसमें तेल या लाल मिर्च वगैरह ज़्यादा करना चाहें या टमाटर प्याज, तो वो आपकी मर्जी है, हम लोग ऐसा पकाते हैं। इसको थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाए फिर मैं इसमें भिंडी शामिल करूँगी, उसको मैं दम पे रख दूँगी फिर 2-3 मिनट तक। फिर मैं इसमें वो दही और जीरा जो होगा वो मैं अब डाल के मज़ीद 5 मिनट दही दम के लिए रखूँगी, नमक चख लूँगी, ऊपर से हरी मिर्चें भी दही के साथ डालेंगे और जीरा भी हाथ 1 टीस्पून जीरा हाथ से मसल के मैं डालूँगी। अब ये टमाटर गल गए हैं, प्याज भी थोड़े से पक गए हैं, अभी इसमें मैं भिंडी और वो दही 1 हरी मिर्च मैंने काट के डाली है और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा हाथ से मसल के मैंने डाल दिया है, अभी इसमें मैं ये डाल दूँगी। पहले से पकी हुई है, इसको मैं बस 5 मिनट रख के इसको मैं डिश आउट कर दूँगी, नमक वगैरह चख के। अभी मैं नमक चख लूँगी, अगर नमक कम हुआ तो मैं डाल दूँगी। अभी मैं इसको कम से 5 मिनट के रख के मैं इसको डिश आउट करूँगी। अभी भिंडी तैयार हो गई है, हल्का सा इसमें वो है, थोड़ी सी नरम सी, हम इसी तरह से खाते हैं। अगर आप लोग कुरकुरी खाते हैं तो इसको तेज़ आंच पे इसको पानी सुखा के और वो कर दें, फ्राई टाइप कर लें। तेल भी ज़्यादा डालना चाहती तो तेल भी डाल दें। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा। ये बिल्कुल विलेज स्टाइल भिंडी है जैसे हम लोग बचपन में खाया करते थे। हर एक चीज़ का अपना अलग एक टेस्ट होता है, इसका अपना अलग टेस्ट है। इसमें मैंने आखिर में जब मैं भिंडी डाल रही थी उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून दही और 1 टीस्पून जीरा हाथ से मसल के डाल दिया था, नमक थोड़ा सा चख लिया था और दही 2 टेबल स्पून ये सब डाल के मैंने, और 1 हरी मिर्च काट के। अगर आप ज़्यादा पसंद करती हैं लाल मिर्च हरी मिर्च तो आप वो भी कर सकती हैं। मेरा अगर डिश आपको पसंद आती है आप ज़रूर ट्राई किया करें, बताया करें कि कहाँ से हमसे गलती हुई है या और कुछ आपको चाहते हैं कि इसमें और क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप लोगों को अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर उसी तरह से करूँगी। मेरे अगर डिश आपको अच्छी लगती है तो मेरे जायका KPK चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, के जायका KPK को। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।